नमस्कार, रेसिपीज विद अनु में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक हेल्दी, इजी और टेस्टी रेसिपी। आज हम बनाएंगे करेला भरवा बिल्कुल यूनिक स्टाइल से, जिससे आपका जो करेला भरवा है वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। और अगर आप करेला पसंद नहीं भी करते हैं तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आप ज़रूर इसे दोबारा बनाना चाहेंगे। इसे बनाना काफ़ी आसान है और टेस्ट काफ़ी अमेजिंग लगता है। इसे बनाने में काफ़ी कम इन्ग्रीडियंट्स लगेगा, साथ ही ये हेल्दी भी होगा और इसे बनाने में ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है। इन शॉर्ट, ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि इसे बनाने के लिए क्या क्या लगेगा और इसे कैसे बनाया जाता है। स्टफ्ड करेला बनाने के लिए हमने यहाँ पर छोटे साइज़ का करेला इस्तेमाल किया है। उसके अलावा हमें लगेगा 4 से 5 मीडियम साइज़ का प्याज, 3 से 4 टमाटर। प्याज और टमाटर को हम बारीक काट लेंगे। उसके अलावा हमने लिया है 10 से 12 लहसुन की कलियां और 1/2 इंच अदरक, दोनों को हमने क्रश कर लिया है। उसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। चलते हैं इसे बनाने की प्रोसेस की तरफ। हमने यहाँ पर करेले को ऊपर और नीचे से डंडियाँ उसकी कट कर दी है। उसके बाद ऐसे बीच में से हमने नाइफ से कट करके उसका सारा जो बीज है वो निकाल दिया है। इस तरीके से हम सारे करेले से उसका जो बीज है वो निकाल देंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम पानी ऐड कर देंगे। करेला डूबने जितना ही हमें पानी उसमें ऐड करना है। इसमें हम करेला को बॉईल करने वाले हैं। करेला को पानी में डालकर हमें 1 चम्मच नमक डालना है। करेला को हम बॉईल कर लेंगे, इसे ज़्यादा नहीं बॉईल करना है, हल्का सा नरम हो जाने तक बॉईल करना है। तो हमने 4 से 5 मिनट इसे बॉईल किया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें हमने 1 टेबल स्पून तेल ऐड किया है और थोड़ा सा राई और जीरा ऐड किया है फूरनी के लिए। और उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें कांदा जो हमने कट करके ले लिया था। हम प्याज को अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें अदरक और लहसुन जो हमने क्रश करके लिया था वो भी ऐड कर देंगे। और साथ में हमने 1 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है। ये सभी चीज़ों को हम अच्छे से पकाएंगे। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गर्म मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। हमें लगातार चलाते हुए इसे पकाना होगा ताकि प्याज जल ना जाए। प्याज पक गया है, उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हमने इस स्टफिंग को 5 से 7 मिनट तक पकाया है। स्टफिंग हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने यहाँ पर जो करेला बॉईल करके लिया था उसमें ये स्टफिंग को ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से। आप इस तरीके से स्टफिंग को ऐड कर दीजिएगा। सारा करेला में स्टफिंग ऐड हो चुका है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है और उसमें हमने 1 टेबलस्पून तेल ऐड कर दिया है। फ्राई करने के लिए आपके हिसाब से आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें करेला डाल करके अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि हमने करेला को ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। फ्लेम हमें मीडियम पे रखना होगा। करेला सॉफ्ट होने तक हम इसे पैन फ्राई करेंगे। हमने थोड़ा सा और ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट तक हमने इसे फ्राई कर लिया है और ये अमेजिंग करेला भरवा बनकर तैयार हो चुका है। आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको ये स्टफ्ड करेला बहुत पसंद आएगा। आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमारी आने वाली रेसिपीज का वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।